हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग 15 जून 2023 यानी कि आज के पूरे दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया और उसका थीम क्या था? तो ये आज के दिन ही मनाया जाता है यानी कि 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। इस बार इसका थीम था क्लोजिंग द सर्किल एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस इन ओल्डर एज पॉलिसी लॉ एंड एविडेंस बेस्ड रेस्पॉन्सेज। ये इस बार का इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चक्रवात अरब सागर में सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात बन गया है? तो ये बन गया है चक्रवात बिपरजॉय। इसने जो पहले 9 दिन 15 घंटे का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। अभी 10 दिन से लगातार अरेबियन सी में चक्रवात अभी चल रहा है, चक्रवात बिपरजॉय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला जनजाति खेल महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है उड़ीसा राज्य में, पहला जनजाति खेल महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा किस कंपनी पर आपत्ति लगाते हुए जुर्माना वसूला जा सकता है? तो यूरोपियन संघ ने आपत्ति लगाई है गूगल कंपनी पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NHPC के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं उत्तम लाल, NHPC के नए डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस टीरा ने किसे किसे अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो इन्होंने 3 लोगों को साइन किया है। पहली है सुहाना खान, दूसरी कियारा आडवाणी और तीसरी है करीना कपूर खान। इन तीनों को रिलायंस टीरा ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। रिलायंस टीरा एक ब्यूटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पवन दिवस यानी कि वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया? तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है यानी कि 15 जून को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने CBI को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य ने, जिसने CBI को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में GDP दर गिरने से अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है? तो ये हुआ है न्यूजीलैंड देश में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।